नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने WhatsApp में टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर को ऑन किए हुए हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर को ऑन करने के बाद आप अपने WhatsApp को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे आपसे एक पिन मांगा जाता है। अगर आपको वो पिन याद नहीं रहता है, जैसे कि यहाँ पे हम अपने WhatsApp को ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे मेरे को पिन याद नहीं है कौन सा पिन हम इंटर किए थे पहले, तो इसे अगर हम फॉरगेट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखता है कि आपके दिए गए ईमेल आईडी पे हम एक मेल सेंड किए हुए हैं, तो हमें वो भी याद नहीं रहता कि हम कौन सा ईमेल आईडी दिए थे। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में यही आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर का पिन भूल गए हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं फॉरगेट पे, तो यहाँ पे आपको याद नहीं रहता है कि हम कौन सा ईमेल आईडी दिए थे, और आपको अगर याद रहता है कि हम ये ईमेल आईडी दिए थे और वो ईमेल आईडी अब बंद हो चुका है, तो कैसे आप इसे रिकवर करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आपको कैंसिल करना होगा और यहाँ से हम सीधे कट कर देते हैं और अपने दोस्त की फ़ोन लेना होगा जिसमें व्हाट्सएप हो। जैसे मैं अपने फ़ोन में यहाँ पर दो व्हाट्सएप बना के रखा हूँ और यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपके ही मोबाइल में हो, अपने कोई भी दोस्त का आप मोबाइल ले सकते हैं। और इसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पे इस तीन लाइन पे, यहाँ पे इस तीन बिंदु पे आपको क्लिक करना होगा, और तीन बिंदु पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सेटिंग में। और सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है हेल्प का, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा कॉन्टेक्ट अस पे, और यहाँ पे आपको उस व्हाट्सएप के बारे में लिखना होता है कि क्या प्रॉब्लम है, जिस व्हाट्सएप नंबर का आप ईमेल आईडी भूल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं पहले से ही कुछ लिख के रखा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप किया हूँ आई फॉरगेट माई टू स्टेप वेरिफिकेशन पिन एंड ईमेल माई ऑल्सो नंबर इज, यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दीजिएगा। मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, आप चाहें तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है उस व्हाट्सएप से संबंधित, तो आप उस स्क्रीनशॉट को इस मोबाइल में भेज दीजिएगा और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ऐड स्क्रीनशॉट पे। ये ऑप्शनल रहता है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट पे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा डज नॉट एंसर माई क्वेश्चन पे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जाना होगा अपने जीमेल में और यहाँ पे आप अपना जीमेल को ओपन कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके दोस्त के ईमेल आईडी से व्हाट्सएप पे एक मेल सेंड होता है और यहाँ पे आपके दोस्त का भी डिटेल रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके दोस्त का मोबाइल नंबर और सभी यहाँ पे डिटेल रहता है, और आपको सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करना होगा यहाँ पे सेंड पे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों व्हाट्सएप को मेल कर देने के बाद आप अपने मेल को चेक करते रहिएगा, 48 आवर के अंदर अंदर आपको व्हाट्सएप की तरफ से मेल आता है और बताए गए स्टेप को फॉलो करना होता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेप रहता है, आप उसको फॉलो करके फिर अपने व्हाट्सएप को रीओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहते तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। Bye.